3-0. Do you all support Real Madrid also? Yes. No. City. Oh, nice one. और ये कॉर्नर लिया गया है। दोस्तों, फुटबॉल फैंस सारे, वेलकम टू अनदर व्लॉग जहाँ पे हम DPDL को कवर कर रहे हैं। आज हम छतरी लेके खड़े हैं क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है। मेरे पीछे चल रहा है मैच, मुंबई का ब्रांड न्यू सीज़न है, अंडर 13 का मैच है। SSC BFC खेल रही है वसई FC को। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि क्या एक्शन चल रहा है तो ये देखो भाई, अभी मिल गया है कॉर्नर नॉट टेकन सो क्विकली। तो यार मुझे लगा कि यार ब्रांड न्यू सीज़न है DPDL का और तुम्हें ना दिखाया जाए तो अनफेयर हो जाएगा, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। और ये कॉर्नर लिया गया है, बहुत ही बढ़िया बॉल हमारे पास आ गई थी, बॉल बट हम टच नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास एक हाथ में छाता है और एक हाथ में फ़ोन कैमरा। देखो यार, तो जिनको पता है उनको पता है कि यूथ फुटबॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रास रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, और DPDL जो है वो ऑलवेज विदाउट फेल इज़ वर्किंग टूवर्ड्स यू नो फिक्सिंग दिस एंड मेकिंग ग्रास रूट्स एंड यूथ फुटबॉल बेटर फॉर पीपल हेयर इन इंडिया। इन फैक्ट अब जो DPDL है वो दिल्ली में भी लॉन्च हो चुका है, तो पैरेलली वहाँ पे भी मैच चल रहे हैं। मैं जब भी दिल्ली आऊँगा तो उसको भी कवर करूँगा फॉर श्योर। आई वॉन्ट टू सी द दिल्ली के यूथ प्लेयर्स, आई वॉन्ट टू सी दिल्ली के ग्रास रूट प्लेयर्स। तो देखते हैं एक्शन कैसा रहता है यार, मिलते हैं। और अगर मेरे इस साइड देखा जाए तो यहाँ पे एक और मैच चल रहा है, तो ये पूरा ग्राउंड दिखाता हूँ तुम्हें। ये ग्राउंड ऐसा है, देखो एक मैच यहाँ चल रहा है और एक मैच यहाँ चल रहा है, फुल 11v11 टर्फ पे, दो साइड्स डिवाइड करके 9v9 मैचेस हो रहे हैं अंडर 13 के। बॉल निकाल दी गई है, भाई ने रोक लिया बॉल, किसको देगा भाई पास, कोई है ही नहीं, कोई था ही नहीं, और ऐसे बॉल भी बहुत अच्छी डाली उसने, बट देयर वाज नो सपोर्ट व्हाटसोएवर। लाइफ में ना यार सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे फुटबॉल में और चाहे ज़िंदगी में, सपोर्ट इज़ ऑल वी नीड यार। ओह, अटेम्प्ट नॉट ऑन टारगेट, अच्छा टच नहीं लिया बच्चों ने यार। अब वो भी अकेले, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। ओह, इसने स्टेप ओवर कर दिया, बहुत बढ़िया। ओह, फिर से बॉल लेके पूरा जा रहा है अंदर कोई नहीं है, बॉल डाली, ये हैंडबॉल, नो हैंड। ओह, व्हाट अ सेव बाय द कीपर। यार जो वाइट वाली टीम है ना, ये SSC BFC है, तो ये बेंगलुरु का एक मतलब वर्जन ऑफ अकेडमी है इन बॉम्बे, बट यार ये टच अच्छे नहीं ले रहे यार बच्चे, प्रॉब्लम यही हो रही है बस। और वसई FC वाले भगा रहे हैं बॉल बिल्कुल बढ़िया। बूम, गोल, ओह व्हाट अ डाइव बाय द कीपर। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ गलती क्या हो रही है, जो गोलकीपर है ना, जो अब गोल किक ले रहा है, ये गोल के अंदर से गोल किक पता नहीं क्यों ले रहा है, इतना बड़ा बॉक्स है बाहर आके भी ले सकता है, और उनका कोच उनको बता भी नहीं रहा कि आप आउट गोल किक ले रहे हो, तो अगर बिल्कुल एज ऑफ द लाइन से ले सकते हो आप, आपको किसी ने नहीं बोला कि इतने अंदर से लेनी है, अपने लिए मुश्किल कर रहा है वो। व्हाट अ सेव अगेन, व्हाट अ बॉल, ओह नाइस वन यार, व्हाट अ रिकवरी यार, कमिटमेंट है भाई लड़कों में। भाई ये जो बंदा है ना ऑरेंज जूते वाला, फुल मार्क्स फॉर कमिटमेंट है भाई इसको। ये भाई फिर ले लिया भाई, तीसरी बार इन अ स्पैन ऑफ 30 सेकंड्स, तीन बार ले लिया भाई। ओ भाई पोस्ट पे लग गई बॉल, बहुत दूर से मारा शॉट और ये बाहर। ओ ओ ओ भाई, तो ये SSC BFC वाले ऑलरेडी 1-0 अप हैं क्योंकि उन्होंने दूर से शॉट मारा था और कीपर ने एक सेव करी, बट वो रीबाउंड पे दोबारा गोल खा गया, बट वो फिर उनको पता चल गया है कि दूर से मारेंगे तो देर इज़ अ चांस, देर इज़ अ चांस। व्हाट अ बॉल, क्या 21 नंबर रोक पाएंगे, 21 नंबर ने बॉल रोकी, 21 नंबर ने बॉल छोड़ दी भाई। हम एक तो जहाँ नहीं देख रहे थे वहाँ गोल हो जाता, यहाँ हो गया गोल, बच्चे हो गए खुश, दो तीन पेरेंट्स हैं वो हो गए खुश,
दो तीन पेरेंट्स यहाँ भी हो गए हैं खुश। तो ब्रावो एफसी ने मार दिया गोल कॉर्नर। यार यहाँ गोल क्यों नहीं हो रहा यार। काफ़ी सारी स्किल करने की कोशिश करी, बॉल लूज कर दी। यार वसई वाले दो पास जोड़ क्यों नहीं पा रहे यार, आराम से काउंटर पे गोल मार सकते हैं। काट लिया काट लिया, तो बॉल लूज कर दी, बाहर मार दी। यार वसई एफसी बहुत दब के खेल रही है, काउंटर पे भाग नहीं पा रहे। अगर यहाँ से एक बॉल निकल गई सीधा यहाँ गोल मिलेगा यहाँ मारने को, बट वो भाग नहीं पा रहे हैं यार। देखो अब बॉल आई हवा में, कहीं भी मार दी, कहीं हवा में उतार दी बॉल, क्या करेंगे ऐसे। देखो फिर अब बिना देखे कहीं भी, और पीछे तो ये भाई ऑरेंज वाले हमारे खड़े ही हैं, जो बॉल बंदा कुछ भी नहीं जाने देते। आई लाइक दैट गाय। तो यार दिन की शुरुआत बढ़िया हुई है, दोनों साइड गोल हो चुके हैं, सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रहा है पहले मैच का, और SSC BFC जीत रही है 1-0। और उन्होंने फिर से एक अटैकिंग नोट पर शुरू करा ये वाला हाफ। यार प्रॉब्लम पता क्या है, जो दूसरी टीम है ना उनका है डेब्यू DPDL में, वो पहली बार खेल रही है, थर्ड सीज़न है ये DPDL का, बट उनका पहला सीज़न है। और वो जो थोड़े वो बच्चे हैं वो थोड़े से नर्वस हैं, पहला ही कॉम्पिटिटिव मैच है, चांसेस मिले उनको, हालांकि उनको गोल के सामने चांसेस मिले जो कि उन्होंने मिस कर दिए, बट अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत मैचेस खेलने हैं इनको यार, अभी तो बहुत बड़ी ग्रुप स्टेज है, एक ग्रुप में काफ़ी सारी टीमें हैं। तो आई होप ऐसी और भी टीम्स होंगी, इनफैक्ट ऐसी और भी टीम्स होंगी जो पहली बार खेल रही होंगी, और ऐसे और भी बच्चे होंगे जो इस अंडर 13 कैटेगरी में पहली बार खेल रहे होंगे, क्योंकि अब पहले वो अंडर 11 खेलते होंगे, अब बड़े हो गए तो अंडर 13 खेलना पड़ेगा उनको, तो नर्वसनेस तो रहती है यार। तो मैं तो यही कहूँगा यार कि खेलते रहो, जितना गेम टाइम मिलेगा बहुत बढ़िया है, कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा, ट्रस्ट योर एबिलिटीज़, जो ट्रेनिंग में सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो, बाकी प्यार है फुटबॉल से तो अपने आप आ जाएगा फुटबॉल खेलना यार, इतना मुश्किल है नहीं। ओह पोस्ट पर लग गई जाके बॉल, काउंटर अटैक विद नो, भाई व्हाट अ कमबैक, को ओ ओ छोड़ दी कीपर ने, रोक ली कीपर ने, व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल, ओह शिट पोस्ट लग गया यार। थ्री जीरो BFC has scored another goal, 3-0 to BFC. वॉली पे गोल मार दिया भाई ने, टू मैनी गोल्स मैन, टू मैनी गोल्स फॉर BFC. देखो यार बेचारे पहली बार ऐसा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं लाइन कैसे बनानी होती है यार, इसीलिए यूथ फुटबॉल इतना इंपॉर्टेंट है, यही बच्चों को यही नहीं पता यार। Tomorrow's game. Clear everyone. Yes, sir. Bring both the kids every match day. Wash the kids. I repeat, carry both the kids. Every match day. I got extra kids today who didn't bring. Ishan M. Okay, wash them and bring it back tomorrow and give it to coach Pajwan off to your coach. देखो देखो अभी जो तुमने देखा कि कोचेस टैक्टिक्स के बाद ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हें दो किट दिए हैं, तुम्हारे आज और कल दोनों दिन मैचेस हैं, तो भाई किट ख़राब मत करना, दोनों किट लेके आना, मल्टीपल मैचेस खेलने पड़ सकते हैं, ये भी पार्ट होता है लीग का यार। अपार्ट फ्रॉम द गेम्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। भाई पहले हमने छाता लिया था क्योंकि बहुत बारिश थी, अब हमने छाता लिया क्योंकि बहुत धूप है, और मैच चल रहे हैं बढ़िया जोरों शोरों से। डिसूजा फुटबॉल अकेडमी ने SSC BFC की दूसरी टीम को 4-1 हरा रही है, 4-1 या 5-1, और गोल पे गोल हो गए हैं। हम रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम और कामों में व्यस्त थे, DPDL के साथ स्टोरीज वोरीज बना रहे थे, बट अगला जो मैच है ना गाइज वो है कॉन्स्टेंट फुटबॉल का, और कॉन्स्टेंट फुटबॉल जो है वो पहले बारसा अकेडमी थी, अब वो रियल मैड्रिड फाउंडेशन अकेडमी बन चुकी है, तो देखते हैं भाई रियल मैड्रिड वाले लोग क्या करते हैं। रियल मैड्रिड अकेडमी के बच्चे वेटिंग फॉर द मैच। गाइज आर यू रेडी फॉर अ मैच? यस सर। डू यू ऑल सपोर्ट रियल मैड्रिड ऑल्सो? यस। सिटी सिटी।
सिटी हाला मैड्रिड सिटी इफ दे डोंट सपोर्ट मैड्रिड दे नॉट प्लेइंग हु बार्सा सिटी व्हाई आर यू वेयरिंग दिस जर्सी देन हाला मैड्रिड सिटी ओ यार यू लाइक सिटी यू आल्सो सिटी हु डू लाइक मोस्ट इन द सिटी टीम फिल फोर्डन आई लाइक हिम I like De Bruyne a lot, man. भाई यहाँ पे फिर से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है और मैं मैच देख रहा हूँ रियल मैड्रिड फाउंडेशन का जो कि कॉन्शियस स्पोर्ट्स के नाम से खेलती है तो तुम्हें भी दिखाता हूँ थोड़ी थोड़ी झलक उनकी मेरे को ऑनेस्टली देखने में अभी उतना मज़ा नहीं आया जितना मेरे को पुरानी वाली जो कॉन्शियस की टीम थी बारसा अकेडमी क्योंकि उसमें पुराने बच्चे थे हो सकता है अब वो अंडर 15 में क्वालीफाई करके उनकी उम्र बढ़ गई हो छाता किसी तरह मैंने पकड़ा हुआ है बारिश हो रही है बहुत तेज तुम्हें दिखाते हैं मैच तो भाई जो वाइट वाली टीम है वो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड टीम है क्योंकि वाइट तो भाई अब देखते हैं कि क्या अभी 0-0 चल रहा है स्कोर और ऑनेस्टली अगर बताऊं तो दूसरी टीम जो है वो ज़्यादा अटैक कर रही है जैसे कि तुमने देखा अभी एक शॉट ऑन गोल ले लिया इसको शॉट में काउंट करेंगे या नहीं वो तुम बता देना भाई कॉमेंट्स में बट थोड़ा थोड़ा भीग रहे हैं थोड़ा थोड़ा गेम बन रहा है ये बॉल चला दी भाई ने ये मारा भाई क्लियरेंस तो जो ब्लू वाली टीम है वो मीरा भयंदर अकेडमी है और वो जनरली काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेल रही है अभी तक सारे अटैक उनके हैं सारी बॉल उनकी है जैसे ही हमने बोला उन्होंने बॉल लूज कर दी और रियल मैड्रिड वाली टीम जो है वो क्योंकि नए बच्चे हैं नया सब कुछ नया नया है वो मेरे हिसाब से थोड़ा स्टिच नहीं कर पा रहे हैं पासेस को और यहाँ हो रही है बहुत तेज बारिश जैसे तुम्हें व्लॉग में दिख रहा होगा बट चाहे बारिश हो चाहे शारिश हो तुम्हारे लिए हम व्लॉग बनाते हैं DPDL कवर करते हैं यूथ फुटबॉल कवर करते हैं ये डाली बॉल ओ ओ ओ व्हाट अ सेव बाय द कीपर रुको 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 सब कुछ एक व्लॉग में थोड़ा देख लोगे यार रियल मैड्रिड का गेम प्ले अगले व्लॉग में देखना अगर यहाँ तक व्लॉग देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो रियल मैड्रिड फाउंडेशन का क्या गेम प्ले था उनकी अकेडमी कैसा खेली ये देखने के लिए अगले व्लॉग जरूर देखना स्टे ट्यून्ड सी यू